हेलो एवरीवन, इस लेसन में हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले हम जो ये पूरा कवर करेंगे, इसमें हम देखेंगे ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी हैं और कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ जाकर गिरती हैं। बाद में सभी जो हिमालयन रिवर हैं, रिवर्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, इंडस रिवर है, इन सब की ट्रिब्यूटरीज भी डिस्कस करेंगे। इस वाले लेसन में हम जो छोटे छोटे कीवर्ड्स आपके रिवर सिस्टम में यूज़ होते हैं, जैसे कि कैचमेंट एरिया या फिर वाटर शेड, और डिफरेंस देखेंगे हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रेनेज का क्या मतलब होता है। ड्रेनेज का मतलब होता है कि किसी वेल डिफाइंड चैनल से वाटर का बहना, ठीक है, वेल डिफाइंड चैनल से वाटर का बहना, उसको ड्रेनेज बोलते हैं। ये डिस्क्राइब करता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया कि किस जो जिस जिस एरिया से रिवर जा रही है और कहाँ कहाँ से रिवर, कौन कौन सी रिवर जा रही है। तो ये आपका पूरा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है। अब हम देखेंगे कि ड्रेनेज बेसिन आपका एक वर्ड यूज़ होता है, वो क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन एक रिवर के द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है, द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज। सिंगल रिवर के द्वारा, सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा जो एरिया ड्रेन किया जाता है, उस एरिया को ए ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। तो आपका जो रिवर सिस्टम है वो क्या है, जो छोटी छोटी आपकी रिवर्स होती हैं, जब एक बड़ी रिवर में बहते हुए आकर मिल जाती हैं अलग अलग डायरेक्शंस से, तो उसको रिवर सिस्टम बोलते हैं। यानी कि छोटी छोटी जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स मिल जाती हैं, कम टुगेदर टू फॉर्म मेन रिवर विच अल्टीमेटली ड्रेन इन टू लेक और सी। और जब वो एक बड़ी रिवर बन जाती है, देन वो किसी न किसी बड़ी वाटर बॉडी यानी कि सी में या फिर लेक में या फिर ओशियन में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है, उसको हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड इन द सेंस कि हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर, इस तरीके से पढ़ लें, या उनके ओरिजिन के बेसिस पे पढ़ लें, या फिर उनके साइज़ के बेसिस पे भी हम उसको पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये अपना वाटर कहाँ पर जाकर छोड़ती हैं, अल्टीमेटली ये कहाँ जाकर मिलती हैं। इंडियन रिवर सिस्टम को हमने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, तो ये दो जगह पर अपना वाटर डालती हैं, एक अरेबियन सी में यानी कि वेस्ट ऑफ इंडिया एंड बे ऑफ बंगाल यानी ईस्ट ऑफ इंडिया में। जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं, वो आपकी जैसे गंगा है एंड ब्रह्मपुत्र है, वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। बहुत सारी जो वेस्टर्न घाट से रिवर ओरिजिनेट होती हैं, पेनिनसुलर रिवर, वो भी आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। अरेबियन सी में आपकी इंडस जाती है, जो उसकी ट्रिब्यूटरी होती हैं वो जाती हैं, प्लस आपका जो नर्मदा एंड तापी है वो रिवर जाती है अरेबियन सी में। जो बे ऑफ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की जो रिवर हैं, उनका उनको जो डिवाइड किया हुआ है कि एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ है, तो वो एक तो दिल्ली रिज ने किया हुआ है, अरावली ने, अरावली जो रेंज है, और सिहद्री, सिहद्री आपको आप वेस्टर्न घाट्स को भी बोलते हैं। तो इन रिवर ने डिवाइड किया हुआ है कि कौन सी अरेबियन सी में जाएगी, कौन सी बे ऑफ बंगाल में जाएगी। फिर देखते हैं ओरिजन आपका नेक्स्ट की साइज़ के बेसिस पे कि ड्रेनेज जो बेसिन है आपका, उसका कितना साइज़ है। ड्रेनेज बेसिन के साइज़ के अकॉर्डिंग आपका सबसे जो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया होता है, कैचमेंट एरिया होता है, तो वो रिवर मेजर रिवर कहलाती है। और अगर मीडियम रिवर कौन सी होगी, जिसका 2,000 से लेके 20,000 तक स्क्वायर किलोमीटर तक एरिया होता है, वो मीडियम रिवर कहलाती है। ये एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया, इसको काट लेना। ओके, फिर आपका आता है माइनर रिवर सिस्टम, जो कि लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम कैचमेंट एरिया होता है, तो उसको माइनर रिवर बोलते हैं। अब ओरिजिन देखते हैं, जो ओरिजिन है इनका, ओरिजिन के बेसिस पे रिवर को किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। आपका ओरिजिन के बेसिस पे आपकी जो रिवर्स हैं उनको हिमालयन ड्रेनेज
सिस्टम और पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम कि हिमालय से जो रिवर ओरिजिनेट हो रही हैं उनके बारे में, और जो पेनिसुलर रिवर से, पेनिसुलर प्लेटू से जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं कि जो हिमालयन रिवर हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं ओवरऑल, और जो पेनिसुलर रिवर हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं ओवरऑल। ओके, तो देखते हैं। एक ये टर्म है जो आपका वाटर डिवाइड, एज अ वाटर डिवाइड यूज़ होता है। कई बार आपने देखा होगा वाटर शेड या फिर वाटर डिवाइड आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मान लो ऐसे आपका ये भाग ना ऊंचा उठा हुआ है, यहाँ से कोई नदी आ रही है ऐसे, और ये भाग ऊंचा उठा हुआ है। तो इस भाग, ये इतना ऊंचा उठा हुआ है कि नदी इसको यहाँ पे इसको ड्रेन नहीं कर पाती, बल्कि जो ब्रांच आती है वो दो भागों में डिवाइड होती है। तो जो ये एरिया है, जो उठा हुआ अपलैंड है, उसको वाटर डिवाइड बोलते हैं। एन एलिवेटेड एरिया सच एज ए माउंटेन और एनी अपलैंड सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन सच एज ए अपलेन इज नोन एज अ अपलैंड इज नोन एज अ वाटर डिवाइड। ठीक है, तो इसको वाटर डिवाइड बोलेंगे। अब जो हमारा, जब हमने ओरिजन के बेसिस पे देखा था हिमालयन और रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर्स, उनके बारे में देखते हैं, उनमें डिफरेंस देखते हैं। आपका हिमालयन रिवर सिस्टम, जो ओरिजन होता है इन रिवर्स का, वो आपका होता है हिमालय से। इन नदियों में हमेशा पानी रहता है, और ये नदियाँ जो पहाड़ होती हैं उनको काफ़ी काट देती हैं, जैसे कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इन नदियों का जो रास्ता होता है, कोर्स होता है, वो काफ़ी लंबा होता है। अभी हम हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इरेजनल एक्टिविटी होती है इस रिवर्स में, रिवर्स की। और आपका जो पेनिसुलर सिस्टम है, वो ओरिजिन हुआ है उसका पेनिसुलर प्लेटू से, यानी कि ये रिवर्स सीजनल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय से बर्फ़ या ग्लेशियर से बर्फ़ आती है वो इनको नहीं मिल पाती। तो जब रेन होती है तभी रिवर फुल फ्लो में होती हैं। ये जो रिवर होती है, जिस तरीके से यहाँ हमने पढ़ा था, हिमालयन का जो कोर्स होता है वो काफ़ी लंबा होता है, रास्ता काफ़ी लंबा होता है, लेकिन इनका छोटा होता है और कम गहरा होता है। इनका जो, जिन रिवर्स का जो ओरिजन हो रहा है आपका हाई सेंट्रल हाईलैंड से, वो वेस्ट की तरफ जाती है, जैसे कि नर्मदा एंड तापी। ओके, और जो आपकी वेस्टर्न घाट से, पेनिसुलर के वेस्टर्न घाट से जिनका ओरिजन होता है, वो रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। अब हमें कुछ और फीचर्स देखने हैं जो कि कई बार क्वेश्चन में आते हैं आपके, यूपीएससी पूछ लेता है हिमालयन रिवर्स के बारे में। देखिए कुछ और डिफरेंस, जब हिमालयन रिवर्स अपने अपर वाले पार्ट में होती है, यानी कि वो हिमालय से निकल रही होती हैं और अपर वाले पार्ट में होती हैं, तो ये बहुत सारा सिल्ट और सैंड लेकर आती हैं। जब ये मिडल में होती हैं तो मीएंडर्स बनाती हैं या फिर ऑक्सबो लेक बनाती हैं, और बहुत सारा फ्लड प्लेन में डिपॉजिट करती हैं जो सैंड और सिल्ट वो लेकर आई हैं। अब जो पेनिसुलर है, पेनिसुलर प्लेटू में, ये हमने देख लिया था कि जो ये है ये फ्लो करती हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, अगर ये वेस्टर्न घाट की साइड ओरिजिनेट हुई हैं। ये जो है दिस पैटर्न, जो ये पेनिसुलर्स का पैटर्न जो इवोल्व हुआ है वो टर्शरी पीरियड में इवोल्व हुआ है, कुछ चेंजेस जो हुए, जियोलॉजिकल चेंजेस, उनकी वजह से। फिर आपका हम देखते हैं कि कुछ हिमालयन जो रिवर्स हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपकी कई बार क्वेश्चन में पूछी गई हैं। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो वी शेप्ड वैली बनाती हैं, रैपिड्स होते हैं, बहुत वाटरफॉल होते हैं, और जो रिवर होती है वो अपना कोर्स काफ़ी बार चेंज करती है। ठीक है, यानी कि कोर्स ऑफ रिवर आर टोर्टुअस, टोर्टुअस मतलब कि ये रिवर घुमावदार होती हैं। ठीक है, इनका जो रास्ता होता है हिमालयाज में काफ़ी घुमावदार होता है। तो ये था हमारा डिफरेंस हिमालयन रिवर में एंड पेनिसुलर रिवर्स में, और ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट हम जब कवर करेंगे तो हम देखेंगे कि फर्स्ट हम कवर करेंगे हिमालयन रिवर कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कितनी उनकी लेंथ है, कहाँ जाकर वो गिरती हैं। तो ये हमारा अभी स्टार्ट हो गया है ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि आपका कई बार नदी का ओरिजिन पूछ लेते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, हमने कहा ट्रिब्यूटरी, देखो मान लो ये नदी जा रही है, ठीक है, यहाँ से कोई नदी है और वो जाके इसमें मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे ऐसे मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई,
ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये सारी ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? यहाँ से कोई रिवर आ रही है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा माउंटेन या कह लो या फिर कोई थोड़ा अपलैंड आ गया है, तो ये रिवर क्या है, अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी, छोटी छोटी स्ट्रीम्स में, छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाएगी। ये जो धाराएं होंगी इनको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन।